गीता और आपका अपने चैनल जायका गजब का भी स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं पंजाब ग्रिल में आई हूँ। इन्होंने अपना एक मेनू लॉन्च किया है नानी के नुस्खे, उसके रिव्यू के लिए इन्होंने आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि नानी के नुस्खे में इनके पास क्या क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों हम अंदर पहुंच चुके हैं। ये रेस्टोरेंट दिल्ली के एरो सिटी में है, ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है। अगर आप उधर से कभी भी गुजरिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और खाने का जायका ले सकते हैं। यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, यहाँ का आप डेकोर देख रहे हैं, लाइट बहुत अच्छी आ रही है, यहाँ पे नेचुरल लाइट भी आ रही है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे उजाला बहुत हो। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कोविड को देखते हुए सीटिंग का भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है, काफ़ी दूरी बना रखी है कि हम एक दूसरे से टकराए ना। यहाँ पे मुझे अपनी नई नई फ्रेंड भी बनाने का मौका मिला, तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो इन्होंने नानी के नुस्खे बनाए हैं उसका आइडिया इनको कहाँ से आया, चलिए अब हम शेफ से जानते हैं। नमस्कार, माय नेम इज सईद माडियान, आई एम एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ पंजाब ग्रिल। वी आर डूइंग अ नानी के नुस्खे इन पंजाब ग्रिल दिस टाइम। एक्चुअली मेरे नानी और दादी बेसिकली ये आइडिया कहाँ से आया, एक्चुअली आइडिया लाइक मेरी दादी जो है वेजिटेरियन थी, काफी नॉन वेज तो कभी खाया नहीं, ना उन्होंने बनाया कभी, ना बनाने दिया। तो बेसिकली क्या है कि वो ट्रैवल बहुत करते थे और फिर क्या है कि मेरे दादाजी टीचर्स थे, वो दिल्ली में थे और गांव से हम बिलोंग करते हैं यूपी से, तो जितना खाने का शौक था उतना खिलाने का भी शौक था। तो प्रॉब्ली जब हम जाते थे टूर पे जाते थे, दो महीने की छुट्टियाँ पड़ती थी, समर वेकेशन होते थे, तो बस चलती थी टूर बसेस, तो हम लोग पूरा साउथ और हर जगह घूमे। तो बेसिकली उनको गार्डनिंग का, तो आप खेती करते थे तो गार्डनिंग भी करती थी, वो अपने सीड्स वगैरह लेके आती थी, वहीं पर उगाती थी और वही बनाती थी। सो उनका वही विजन था कि रेसिपी में फ्रेश चीज़ें खाओ। वो इंग्रीडियंट्स जो हमारे भाई रूटीन में उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, लाइक आंवला इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, हमारी सबको भी हो ये सब चीज़ें, तो उसी बेसिस पे हमने ये मेन्यू इंट्रोड्यूस किया है, उसको क्रिएट किया है, उसको इंट्रोड्यूस किया है कि भाई लोग उसको खाएँ, लोगों को पता चले कि उसकी वैल्यूज क्या है। पुराने टाइम पे जो लोग बोला करते थे भाई आंवला तो एक है, बिल्कुल नहीं है, तो उस तरीके से कुछ हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों आपको अगर नानी के नुस्खे का जायका लेना है तो आपको पंजाब ग्रिल एरो सिटी में 12 अगस्त 2021 से लेकर के 12 सितंबर 2021 के बीच में ही आना पड़ेगा। वहां पे आप नानी के नुस्खे का भरपूर जायका ले सकते हैं। देखिए अब हमारी खातिरदारी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे सबसे पहले हमें खट्टी राबड़ी जो कि राजस्थान की एक डिश है उसको सर्व किया गया। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव, उसी तरह से यहाँ पे हमारा ख्याल रखा गया। और ये जो खट्टी राबड़ी है संजोग से जो हमारी एक और गेस्ट है वो राजस्थान से ही है, तो चलिए अब हम उनसे पूछते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। दोस्तों अभी हमें खट्टी राबड़ी सर्व की गई और अब इसके बारे में हम नानी जी से पूछते हैं कि ये राजस्थान के डिश है, इन्होंने मतलब इसमें क्या क्या पड़ता है और कैसे इसको बनाते हैं। जौ का दलिया लिया, जौ का दलिया, हाँ जौ का दलिया लिया, उसमें नमक डाला और थोड़ा सा ना बिलोया हुआ दही डाला हल्का, और उसको रात को बना के रखते हैं, पतला पतला बस बना लेते हैं, पानी डाल के और छाछ डाल के, छाछ डाल के बना लेते हैं, फिर वो थोड़ा सा ना लिक्विड ढीला रखना है उसको, हलवे की तरह नहीं रखना, पतला हलवा समझो वो, और फिर सुबह दही बिलो के उसके अंदर वो डाल के नमक डाल के फिर वो पीना। अच्छा मतलब इसमें जब जौ हम पीसते हैं मतलब जौ भी ठंडा होता है गर्मी के लिए और दही भी ठंडी होती है, तो दोनों का एक बहुत बढ़िया खट्टी राबड़ी बनके तैयार हो जाती है। थैंक यू। दिमाग के लिए भी अच्छी है, बॉडी के टेम्परेचर के लिए भी बहुत अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी डिश है, चलिए एक नई राजस्थान की डिश हमें जानने को मिली। थैंक यू। के जाए के बाद फिर हमने आपस में गुफ्तगू की, एक दूसरे के बारे में जाना, हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे और काफी अच्छा लग रहा था, और साथ में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब नेक्स्ट कौन सा पकवान आने वाला है।
सलाद आ चुका है, तो अब हम देखते हैं कि ये लोग हमें दूसरी क्या चीजें सर्व करेंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने वीगन शीश कबाब आ चुका है। इसमें कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं पड़ा हुआ है। इसको इन्होंने सोया से बनाया हुआ है। अब हम आगे शेफ से भी जानना चाहेंगे कि इसको इन्होंने कैसे बनाया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी था और इतना सॉफ्ट था कि ये मुंह में बिल्कुल मेल्ट हो जा रहा था। तो इस डिश के बारे में चलिए हम शेफ से बात करते हैं। अब हम अपने शेफ से बात करते हैं, इन्होंने जो हमें सर्व किया है उसको इन्होंने कैसे बनाया। हमने अदना शीश कबाब का एक वेजिटेरियन वर्जन बनाया है, विच इज अ वीगन शीश कबाब। इसमें हमने सोया का बेस यूज किया है हर चीज के लिए। इसकी जो स्पाइसेस हैं हमने खुद रोस्ट करी है यहाँ पे, उसका एक परफेक्ट हमने ब्लेंड बनाया है। उसमें पत्थर के फूल, खसकी जड़, तीतली, ये सब सारे स्पाइसेस इसमें गए, हमने रोस्ट किया है और वो इसमें मिक्स किया गया है। हमने जो इसके अंदर इवन हमने जो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं यूज किया है, क्योंकि वीगनिज्म में सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो इसमें हमने कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज नहीं करा है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करा है। और हमने जो इसका घी या बटर बनाया है वो भी हमने कोकोनट ऑयल से बनाया है। सो कोकोनट ऑयल को हम लोग जलाते हैं, उसका एक जो कोकोनट का फ्रेग्रेंस होता है वो खत्म करके फिर उसको कूल डाउन करके जो बटर और घी निकलता है वो हमने यूज किया है इसको बनाने के लिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, हम बिना मिल्क को भी यूज करके बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। थैंक यू। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेन कोर्स का फर्स्ट राउंड आ चुका है, जिसमें इन्होंने हमें लिट्टी सर्व की है। और जैसे हमारी दादी नानी के नुस्खे हुआ करते थे कि हमें घी बहुत खाना चाहिए जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने लिट्टी को अच्छी तरह से घी में नहलाया है। साथ में दाल है, चावल है, पापड़ है, दो तरह का चोखा है, टमाटर की चटनी है, मिर्च का पकौड़ा है और मिर्च का अचार है। और साथ में इन्होंने यहाँ पे गुड़ की खीर सर्व की है और फ्रूट सैलड और फ्रूट का रायता। दोस्तों, मैं सच में बताऊं, मुझे यहाँ की लिट्टी बहुत अच्छी लगी। उसमें सरसों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो आप एक बार इसका जायका जरूर लीजिए। ये हमारे सामने फूल का साग आ गया है, जिसमें इन्होंने फ्राई आलू डाला हुआ है और बैगन। ये देखिए, ये इन्होंने हमें बताया कि ये कोलकाता साइड से मिलता है। इसको कोई का साग देखिए दोस्तों, इन्होंने पोई के साग को मूंग की दाल के साथ भी बनाया है। साग हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा होता है ये तो हमारी दादी नानियों ने बताया ही हमें। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इन्होंने तली हुई प्याज डाली है, नींबू डाला है, जिससे कि वाकई इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा हो गया था। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें सर्व किया गया है ये मूंग की दाल है पोई के साग के साथ, ये पनीर है, ये कुलचे और ये वही पोई के साथ फ्राइड आलू और बैगन के साथ मैंने बनाया है। देखिए दोस्तों, मेन कोर्स का सेकंड पार्ट मेरे प्लेट में आ चुका है। यहाँ का मैं वीडियो बहुत अच्छा नहीं बना पाई हूँ क्योंकि कैमरामैन मेरे साथ नहीं था। और वाकई बताऊं, मूंग की दाल को जो पोई के साग के साथ बनाया गया वो बहुत ही टेस्टी था। और जैसे नानी के नुस्खे को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बनाया है, ये उस पे बिल्कुल ही सटीक बैठ रहा था, क्योंकि साग और दाल दोनों हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो एक बार आप इसका जायका जरूर लेने पंजाब ग्रिल एरो सिटी जाइए। चलिए सबसे पहले टेस्ट करते हैं पनीर और कुलचे। ये यहाँ पे इन्होंने पोई के साग के साथ मूंग की दाल बनाई है, बहुत टेस्टी बना हुआ है। पंजाब में आके वाकई मुझे बहुत मजा आया कि यहाँ पे वेज वालों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन उन्होंने रखा है। नानी के रुस्ते वाकई सुपर डुपर हिट। चलिए दोस्तों, मेन कोर्स के बाद हमें यहाँ पे स्वीट डिश सर्व की गई, जिसमें शाही टुकड़ा विथ मैंगो आइसक्रीम था। वाकई इसको खा के मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे मैंगो आइसक्रीम भी पसंद है और शाही टुकड़ा भी। और लास्ट में इन्होंने हमें कहवा सर्व किया। इसमें इन्होंने केसर भरपूर मात्रा में डाला था, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। पर्सनली मुझे कहवा नहीं पसंद है, लेकिन इसको मैंने पूरा आनंद लेते हुए पिया। और
अब दोस्तों मैं पंजाब ग्रिल और उससे जुड़े हुए सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और इतने अच्छे जायके का एक्सपीरियंस लेने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आपने देखा कि हमारा ये पंजाब ग्रिल का सफर कैसा रहा। बहुत ही अच्छा रहा और खाना बहुत ही टेस्टी था। इन्होंने जो ये नानी के नुस्खे का मेन्यू रखा है वो 12 अगस्त से शुरू हो रहा है और 12 सितंबर तक ये रहेगा। तो आप एक बार पंजाब ग्रिल जरूर आइए और इस थाली को जरूर आप ट्राई कीजिए। वाकई बहुत ही टेस्टी बना हुआ। थैंक यू।